Hello everyone! Welcome to Mahendra Group. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन सभी का स्वागत है करंट अफेयर क्लासेस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और इसी के साथ देखेंगे स्टार्टिंग में तो लास्ट के सेशन के बेसिस पे कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं देन फिर हम चलेंगे आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और स्टेट और इवन जितने भी स्टेटिक क्वेश्चन बन सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे तो स्टार्ट करेंगे विद दी वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट उससे पहले गाइज लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे कि मैक्म स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो सके और गुड मॉर्निंग सभी को भाई शुभ प्रभात स्टार्ट वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टें क्वेश्चन कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप कौन सा देश विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा गैस समझिएगा इंपॉर्टेंट अल्जीरिया बुलगारिया हंगरी आर्मेनिया इराक टेक्निकल्टी इंप्लीज स्कीम को बड़ा की जाए विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप हरियप गैस

कौन सा राज्य गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भागीदार राज्य होगा या यूं कहें है झारखंड प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश या केरल आंसर की बात करते हैं ऑप्शन राइट आंसर झारखंड विल बी अ पार्टनर स्टेट एट अ गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अगला सवाल ट्री विल होस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू समर यूथ ओलंपिक गेम्स कौन सा देश 2022 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा अर्जेंटीना अर्जेंटीनाकार करेंसी कैपिटल डकार करेंसी फ्रैंक स्विट्जरलैंड कैपिटल बर्न करेंसी फ्रैंक इंडिया तो क्लियर है ये चाइना कैपिटल बीजिंग करेंसी युवान रैनविन बी जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है आंसर की बात करें यहां पर आंसर इज ऑप्शन नंबर टू सैनिगल विल होस्ट ट्वेंटी समर यूथ ओलंपिक गेम्स अगला सवाल किस खेल से संबंधित है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है शूटिंग भारोलन बैडमिंटन टेनिस या टेबल टेनिस आंसर ऑप्शन नंबर टू ही इज रिलेटेड टू दी वेट लिफ्टिंग वह एक भारत है वह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है अगला सवाल यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव साइनिंग ऑफ एमओ बीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चरल और अलाइट सेक्टर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की बात करी है कहें मंजूरी दी है मजदूरी नहीं मंजूरी दी है आंसर की बात करें ऑप्शन ऑफ फिफ्थ इज राइट आंसर कल मैंने आपको बताया था। इंडिया प्लस लेबानन इज इक्वल टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर सिर्फ इस तरीके से याद रखिए इंडिया प्लस लेबानन इज इक्वल टू एग्रीकल्चर लथविया कैपिटल रीगा करेंसी यूरो कैपिटल बेलग्रेड करेंसी दिनार अल्जीरिया कैपिटल अल्जीरियस करेंसी दिनार बुल्गेरिया कैपिटल सोफिया करेंसी लेव चलती है यहां पर एंड लेबानन की बैरूत बैरूत इज कैपिटल एंड करेंसी यहां पर पाउंड चलती है आई होप सो सु क्लियर होगा अगला सवाल यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू एमओयू साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म मतलब इंडिया ने किस देश के साथ टूरिज्म के क्षेत्र में समझौता किया है जरा समझिएगा भारत ने किस देश के साथ टूरिज्म के क्षेत्र में समझौता किया है आंसर की बात करते हैं आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर वन इंडिया एंड रोमानिया ने यहां पर समझौता किया है टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने के लिए रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट करेंसी लियू सर्बिया फिर दोबारा से बेलग्रेड करेंसी दिनार अल्जीरिया अल्जीरियस करेंसी दिनार बुल्गेरिया सोफिया करेंसी लेव एंड लेबान बैरुत और करेंसी पाउंड आई होप सो सब कुछ आपको रिवाइज होता चल रहा होगा अगला सवाल यूनियन कैबिनेट इज अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन एनवायरमेंटल कॉपरेशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण योगदान के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है जर्मनी फ्रांस फिनलैंड रशिया या युगांडा जर्मनी फ्रांस फिनलैंड रशिया या युगांडा सो गैस आंसर की बात करें आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री इंडिया एंड इंडिया और फिनलैंड के बीच समझौता हुआ है इन्वायरमेंटल कॉपोरेशन के क्षेत्र में जर्मनी कैपिटल बर्लिन करेंसी यूरो फ्रांस कैपिटल पेरिस करेंसी यूरो फिनलैंड कैपिटल करेंसी यूरो रशिया कैपिटल मॉस्को करेंसी रूवल एंड युगांडा की बात करें युगांडा की कैपिटल है कंपाला एंड करेंसी यहां पर शिलिंग चलती है सेवन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अगला सवाल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसको भारत के सॉलिसिटर जनरल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है आंसर की बात करेंगे तुषार मेहता हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आई होप गाइज यहां तक क्लियर होगा अगला सवाल अकॉर्डिंग टू हैनले अकॉर्डिंग टू हैनले पासपोर्ट पासपोर्ट इंडेक्स विच कंट्रीज पासपोर्ट है मोस्ट पावरफुल इन वर्ल्ड हैनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश के पासपोर्ट को विश्व में सबसे शक्तिशाली नामित किया गया है जापान सिंगापुर जर्मनी दक्षिण कोरिया या फ्रांस सो आंसर यहां पर बनता है जापान जापान के पासपोर्ट को कहा गया है कि मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है अराउंड 190 कंट्रीज में कंट्रीज इसके अगर किसी के पास जापान का पासपोर्ट है तो भाई बेसिकली कह सकते हैं कि उनको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं वन कंट्रीज में ट्रेवल करने के लिए And which have MOU to the child right. ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाल अधिकारों को मजबूती देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नेस्कॉम एसओम आरबीआई वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री या नीति आयोग सो आंसर की बात करें जो कि कमेंट बॉक्स में यहां पर बना हुआ है इंडिया एंड नेस्कॉम है चाइल्ड राइट यहां तक एस कंप्लीट हो चुका है हमारा कल का बेस्ट कल के बेस क्वेश्चन है अगर क्लियर है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख यस सर यहां तक क्लियर है अब चलिए बढ़ते हैं देखते हैं देखते आज के सेशन की फर्स्ट एंड मोस्ट न्यूज और ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड इससे मैंने यहां पर जो एक, आ, कह सकते हैं द हिंदू की इमेज उसे भी मेंशन किया है अपनी लैंग्वेज में भी फॉर्म किया है क्या है इंडिया की रैंक वर्स्ट वर्स कंट्री कौन सी है सारी बातें यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वन इन फाइव चिल्ड्रन वन जीरो थर्ड इन हंगर भारत हंगर में एक सौ तीनवे स्थान पर रहा है लास्ट ईयर हंड्रेड रही थी तीन स्थान यहां पर लुढ़क गया और वह आ गया यहां पर क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं जरा ध्यान से समझिएगा टेक्निकल टीम प्लीज स्क्रीन को जूम करिएगा यहां पर वेस्टेड का मतलब क्या है वेस्टेड विच मीन्स दे फॉर देयर हाइट मतलब कि देखना यहां पर कह रहे हैं कि लो वेट फॉर देयर हाइट यहां पर उनकी हाइट भी कम है और लो वेट भी है, यहां पर का मतलब है कि भारत में पांच में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कह सकते बच्चा ऐसा है जिसकी लो हाइट भी और लो वेट भी है बेसिकली कहा जा रहा है और उसी के रेस्पेक्ट में यहां पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग को वन जीरो थ्री का आ गया एटलीस्ट वन इन फाइव चिल्ड्रन वन इन फाइव इंडियन चिल्ड्रेन अंडर दाइव आर वेस्टेड जो पांच साल

मैं आपको एक एक करके पूरा का पूरा इंडेक्स यहां पर समझा देता हूं एक्जैक्टली exactly ये है क्या देखिएगा यहां पर क्या मेंशन किया गया है ये है कि कैटेगरी में रखा गया है लो कंट्री मीडियम कंट्री सीरियस कंट्री अलार्मिंग या एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्टेटस दिया जा रहा है इनको इंडिया को रखा गया है सीरियस कंडीशन में कहा जा रहा है इंडिया सीरियस कंडीशन में चाइना लो कंडीशन में है ब्राजील भाई मीडियम में है और अगर हम बात करते सीरियस में पाकिस्तान भी है इंडिया भी है अंगोला भी है तो इंडिया का जो इंडेक्स है इंडिया की जो रैंकिंग है वो वन रही है यहां पर अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बेसिस यहां पर कहा जा रहा है और इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है अगर एक्सट्रीमली कंडीशन कंडीशन की बात बात सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रैंक रही है 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 इसको कहा कहा ये एक्सट्रीमली से यहां पर गुजर रहा रहा इसके अलावा more, इंडिया 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 राइज इन द ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन बेसिकली करें जा कि ने क्या है? इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है इंडिया रैंक 103 आउट ऑफ 119 कंट्रीज इंडिया की 119 देशों में 103 रैंकिंग रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया स्कोर वाज़ दी 31.1 वन पॉइंट वन विच वॉज सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट इन टू थाउजेंड मतलब अगर बात करें लेसर देन दी टू ओवरऑल बात कर रहा है बट हायर देन दी एवरेज एवरेज की बात कर ले तो जो एवरेज ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें यहां पर कहा गया कि 20.9 है ग्लोबल एवरेज स्कोर उसमें इंडिया का जो स्कोर है वो 31.1 है बहुत ज्यादा है अभी भी स्टिल यहां पर मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं टेबल में आप देखेंगे तो ये कुछ देश है यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है

तो, तो इंडिया की रैंकिंग यहां पर क्या रही है वन जीरो रही है और लास्ट जिसको एक्सट्रीमली बोला गया था उसको स्टेटस दिया गया था वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लास्ट प्लेस पे यहां पर रहा है आई होप सो यहां तक सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी अगर क्लियर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे तक हमारे ये डिटेल में क्लियर हो चुका है अगर क्लियर है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख यस सर यहां तक क्लियर है अब चलिए बढ़ते तो देखते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अभी आप देख रहे हैं पिछली जो एक तूफान है वो इंडिया में आ चुका है हिट कर चुका है और आंध्र प्रदेश की बात करें जितने भी कोस्टल स्टेट उस तरफ उन सभी को वॉर्न किया गया कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है और स्टिल मैं पढ़ भी रहा था कि कुछ तो डेथ भी हो गई है तो उसी के रेस्पेक्ट में देखते हुए ओवरऑल बात करें डिजास्टर को देखते हुए यहां पर एक रिपोर्ट रिलीज की है यूनाइटेड नेशन ने मोस्ट ने, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाई यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इंडिया सफर्ड यूएस डॉलर सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव बिलियन इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स इन लास्ट ट्वेंटी कमी के सह, कमी के संयुक्त तो राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में जलवायु से संबंधित आपदाओं के चलते भारत को अमेरिकी डॉलर का लर्न तो करने में 79.5 बिलियन या समथिंग कोई भी अमाउंट होता है कोई भी डेटा होता है और जब ये डेटा आता है ना तब बहुत ज्यादा टिपिकल हमें पेपर लगने लगता है तो इस डेटा जितनी भी न्यूज है उन पर फोकस करेगा उनको याद करेगा आप समझते हैं यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिसर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर उसने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में दो डिकेड की बात हो रही है 10 10 इयर्स के पिछले 20, 20 वर्षों में लास्ट 20 इयर्स में इंडिया ने सिर्फ डिजास्टर्स की वजह से आपदाओं की वजह से 79.5 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस झेला है क्या है और पॉइंट वो भी चलिए देख लेते हैं और डिटेल में टेक्निकल टीम 79.5 20 years, कहा जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों में भारत ने 79.5 बिलियन का घाटा हुआ है जस्ट रीजन रहा है सिर्फ आपदाओं की वजह से इसके अलावा इन्होंने इस रिपोर्ट को जो कि की रिलीज की है यूनाइटेड नेशन ऑफिस के द्वारा उन्होंने इसको टाइटल दिया है इकोनॉमिक लॉसिस डिजाटर डिजास्टर 1998 टू 2017 मतलब दो डिकेट की यहां पर बात हो रही है लास्ट ट्वेंटी की बात हो रही है इसलिए पर 1998, 2017 लिखा हुआ है इकोनॉमिक लॉसेस पॉर्टी डिजास्टर ये रिपोर्ट है जो कि कंपाइल की गई है बनाई गई है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन के द्वारा और इसी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया ने जो टोटल लॉस किया है लास्ट ट्वेंटी ईयर्स में सेवेंटी बिलियन का यहां पर किया है ट रिलेटेडर इनक्रीमेंट देखने को मिला ये कुछ पॉइंट है ना जब स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन आते ना तब हमें दिक्कत होती है वन सिक्सटी वन लिख देते हैं और तभी हमारा क्वेश्चन गलत पूछता से ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है ऑप्शन ए वन टू थ्री वन टू टू थ्री इस प्रकार के हमें जरा क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन अ ग्लोबल इकोनॉमिक बिटवीन 1998 2017 अब ये बात कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी की अभी तो बात कर रहे थे इंडिया की अब ये कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्टेड कंट्रीज रिपोर्टेड डायरेक्ट लॉस ऑफ 2.908 ट्रिलियन 2.908 ट्रिलियन का लॉस ग्लोबल इकोनॉमी को यहां पर देखने को मिला लास्ट टू डिकेड में मोर देन दी ट्वाइस ऑफ व्हाट वाज लॉस इन प्रीवियस टू डिकेड मतलब बात हो रही कि इससे पहले जो 20 सालों में घाटा हुआ था उससे दुगना घाटा दुगना घाटा यहां पर हो रहा है भैया किसका इस बार हुआ है तो डिजास्टर भी कहती है इसमें तेरा घाटा है मेरा कुछ नहीं जाता तो बेसिकली भाई बड़ा यहां पर माहौल गर्म बना हुआ है एंड ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक लॉसेस हैव बीन एक्सपीरियंस बाय द यूएस यूएस टॉप पर रहा है सबसे ज्यादा घाटा ऐसे देखने को मिला है ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन है है एग्जाम का मैंने इसी पर ये फ्रेम किया है कि सब, इंडिया की रैंकिंग क्या रही है ओवरऑल इस रिपोर्ट के आधार पर तो इंडिया की रैंकिंग जरा आप देखिए क्या रही है यूएस रहा है सबसे नंबर एक पर भैया सबसे ज्यादा घाटा इसी को होता है फिर चाइना की बात कर लेते हैं फिर जापान की बात कर लेते हैं आए दिन वहां पर तो भूकंप आता रहता है फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया

होता है और पूछ लेगा इनमें से टॉप फाइव में कौन सी नहीं तो टॉप फाइव प्लीज याद करके चलेगा हर तरीके से मैं आपको आप डिटेल में बताता चल रहा हूं यार क्लियर हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर क्लियर हो रहा है क्योंकि मैं सिर्फ आपके कमेंट को रीड करके समझ पाता हूं कि हाँ आप सभी को यहां पर समझ में आ रहा है नेक्स्ट न्यूज़ आसाम चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस रोरो सर्विस बहुत बढ़िया सर्विस है ये रोल ऑन रोल ऑफ जो एक आइलैंड है अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी में एक माजुली एक माजुली आइलैंड है और उसी की बात यहां पर हो रही है और वहां के लिए एक रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस यहां पर लॉन्च की है क्या है वो समझ लेते हैं आसाम चीफ मिनिस्टर सर्वनंदा सोनोवाल लॉन्च रोल ऑन जरा टेक्निकल टीम स्क्रीन को जूम करेगा रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस विच विल फेरी मतलब कि वो क्या है कि लोगों को भी ले जाएगी और यहां की बात हो रही है कि गुड्स को भी ले जाएगी स्पेशली पहले क्या गुड्स के लिए यूज होता था अब कह रहे हैं कि भैया है, लोगों के लिए यहां पर ले पाएगी अराउंड यहां पर शायद 12 किलोमीटर का ही डिस्टेंस यहां पर रह जाएगा असम चीफ मिनिस्टर मैंने अराउंड बोला अभी ये लड़ मत जाना कि सर वहां कुछ और देर का यहां कुछ मैंने बोला कंफर्म नहीं एग्जैक्ट डिस्टेंस का कोई डिस्टेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा असम चीफ मिनिस्टर सर्वनंदा सोनोवाल लॉन्च दी रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस विच विल फेरी पीपल वीगल तो कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी माजुली रिवर आइलैंड की लॉन्च रोल रोल किया है एग्जाम का क्वेश्चन है माजुली रिवर आइलैंड कहां पर है तो वो हमें याद रखना है असम में है असम के सारे स्टेड इफेक्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से असम की बात करें इसका गठन हुआ था छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ साठ को 26 सिक्स 1960 को इसका गठन हुआ था दिसपुर कैपिटल है चीफ मिनिस्टर इज अ सर्वनंदा सर्वनंदा सोनोवाल मेरा आपसे सवाल यह है कि मैं असम का नाम लिया कितनों के कि माइंड में ऑटोमेटिक सारे स्टैटिक फैक्ट आ गए थे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जगदीश मुखी इज अ गवर्नर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है लोकसभा सीट 14 है राज्यसभा सीट 7 है मतलब क्या रहा जीरो सेवन इज अ डीएलआर नंबर गुवाहाटी लार्जेस्ट सिटी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी में ही भैया लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली और उसी के लिए अरोरो सर्विस यहां पर लॉन्च की गई है असमी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज भूटान बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है बाकी स्टेट हैं जिनके साथ की भाई असम बॉर्डर शेयर करता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और भी हैं उनको देख लेते हैं देखिए इसी पर बेस अभी हमने न्यूज डिस्कस माजुली इज अ लार्जेस्ट रिवर आइलैंड और ये किस नदी में है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है दिब्रु साई काजीरंगा मानस नामेरी फेमस नेशनल पार्क ऑल आर लोकेटेड इन असम तोरा बुरा चपोरी चक्रशिला और लाओ खोबा एक और वाइल्ड सेंचुरी है जो मैं आपके साथ अभी नई डिस्कस की है कितने बच्चों को पता है जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दिब्रू साई काजीरंगा मानस लोकेटेड असम पॉबितोरा बुरा चपोरी चक्रशिला लाख असम में है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम एग्जाम का क्वेश्चन कामाख्या टेंपल सु्वर टेंपल एग्जाम का क्वेश्चन लोकप्रिय गोपीनाथ वर्दोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें ये तो ऑलरेडी आ चुका है अभी रिसेंट में ही और गाइज सभी के सभी कहां पर है आपके असम राज्य में स्थित है आई होप सो क्लियर होगा देखिए आंसर आने लग गया प्रमोद सिंह कह रहे हैं सूरज कुमार कह रहे हैं सर गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात पीएससी का क्वेश्चन है ये वेस्ट बंगाल में भी क्वेश्चन कि गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है तो वो भी आपको याद रखना है यह भी आपकी असम राज्य में स्थित आई होप सो गाइज यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी अब चलिए बढ़ते देखते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आ चुका है आप सबके सामने महेंद्राज स्पीड टेस्ट नवरात्रि स्पेशल ऑफ़र जो कि अवेलेबल होगा सिर्फ ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर से फोटीथ ऑफ अक्टूबर तक इसका लाभ उठाने के लिए हमारी साइट विज़िट करें माईशॉप डॉट महेंद्राज डॉट ओ या हमें कॉल करें वन एट डबल ज़ीरो वन जीरो थ्री फ़ाइव टू टू फाइव पर अब आ चुका है आप सबके सामने महंद्राज स्पीड टेस्ट नवरात्रि स्पेशल ऑफर जो कि अवेलेबल होगा सिर्फ ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर से फोटीथ ऑफ अक्टूबर तक इसका लाभ उठाने के लिए हमारी साइट विजिट करें माईशॉप डॉट महंद्राज डॉट ओ या हमें कॉल करें वन एट डबल जीरो वन जीरो थ्री फाइव टू टू फाइव पर सो so गाइस अब चलिए बढ़ लेते हैं यहां पर देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज क्या है ऑफर का आपको पता है 14 13 12 13 थर्टीन 14 को अपना ऑफर आ रहा है आज की से बात हो रही आज से ही स्टार्ट हो जाएगा वीडियो जल्दी हम लेकर आएंगे इस पर भी एक बताएंगे एक्जेक्टली exactly क्या ऑफर है क्या क्या डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है और बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिएगा एक ह्यूज डिस्काउंट भी मिलेगा इवन नॉमिनल अमाउंट ही, ही रहेगा ह्यूज मतलब की इतना अमाउंट रहेगा कि जिसमें आपको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी सो माईशॉप डॉट महिंद्रास डॉट ओरजी पे विजिट करिए इवन कोई डिटेल की रिक्वायरमेंट है सो वन एट डबल जीरो वन जीरो थ्री फाइव डबल टू फाइव पर आप कॉल सकते हैं हमारी लाइन शो शाम को छह बजे तक खुली है इस दौरान आपको सारी सेवाएं दी जाएंगी चलिए बढ़ते देखते हैं फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ क्या है दोबारा से एक बार वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट डब्ल्यू की बात हो रही है ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं अब मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं किसने इनॉग्रेशन किया क्या-क्या यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी की सारी बातें डब्ल्यू यू एम एन वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट एग्जाम के लिए मोस्ट रेलेवेंट है आते हैं जरा देखते हैं इसी से रिलेटेड सारे पॉइंट क्या हैं

सेकंड तो पॉइंट कौन सा एडिशन रहा है थर्टी सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का तो अगर हम बात करते हैं जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ 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 द वर्ल्ड यूनियन होलसेल मार्केट है उसका जो एडिशन रहा वो 32nd रहा है तीसरी बात जो बनेगी कहां पर इनोग्रेशन रहा था इसका तो वो हरियाणा के गुरुग्राम में रहा तीन क्वेश्चन तो यहां के आई होपो so, यहां तक क्लियर हो चुके होंगे अब चलिए भाई मेरी आवाज चेंज नहीं हुई है वो मैम की आवाज थी कि हाँ सर आपकी आवाज़ चेंज हो गई कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास क्वालिटी की भाई है मेल की भी है फीमेल की भी है ठीक है ज्यादा ना बनो बोलो जरा समझ लो यहाँ पर एक्जेक्टली न्यूज क्या है टेक्निकल टीम प्लीज स्क्रीन जूम करिएगा Union Minister of for of State for Agriculture Farmer Welfare देखिए एक और सवाल आ गया परशुोत्तम रूपाला की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज भी हैं और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर भी हैं और ये राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से इतनी बातें तो क्लियर हो गई इनके पास पंचायती राज के एमओएस और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, है। एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राज्यसभा एमपी गुजरात से इन्हीं ने इन्हीं ने सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का इनोग्रेशन किया है वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट का और जी कहां पर हुआ है ये हरियाणा के गुरुग्राम में इतने काम की बात है हमारी फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन इंडिया पहली बार भारत में हो रही भैया बिल्कुल रट्टा मारना पड़ेगा पहली बार हो रही तो डेफिनेटली एग्जाम में भी आना है ये कि मतलब कि फर्स्ट टाइम डब्लू यू एम एन कॉन्फ्रेंस इज बिंग ऑर्गेनाइज इन इंडिया एट गुरुग्राम अंडर द थीम ऑफ द होलसेल मार्केट इन डिजिटल एरा चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो ये थीम जरूर पूछी जाएगी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ही नहीं पूछेगा फिर इतना पूछेगा किसने इनोग्रेशन किया कहा इनग्रेशन किया कौन सा एडिशन है फिर इसके बारे में पूछ लेगा पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में तो ये पुरुषोत्तम रूपाला जी की बात कर पंचायती राज मिनिस्ट्री देख रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के भी भैया मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और राज्यसभा एमपी है अपने गुजरात से नेक्स्ट सौरभ चौधरी हैज वन दी गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द यूथ ओल्पिक गेम्स इन अर्जेंटीना सौरभ चौधरी ने अर्जेंटीना में युवा ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है कल आपका सवाल आया था कि सर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने अवार्ड जीते हैं एक काम करिए उन सभी का स्टेट भी मेंशन कर दीजिए सारी डिटेल तो मैंने यहां पर आपको एक कह सकते हैं रॉ फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश किया आई होप आपको पसंद आएगा सौरभ चौधरी की बात करें इन्होंने भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता है मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जो अभी यूथ ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं अर्जेंटीना में वहां पर क्या है सारे पॉइंट जरूर करेंगे क्योंकि के लिए है सारे। 2018 की बात करें तो ये अर्जेंटीना के में चल रहे हैं अक्टूबर अठारह पहली बार है फर्स्ट समर ओलंपिक यूथ गेम्स की बात करें ये पहली बार एशिया से बाहर हो रहे हैं काम की बात करूंगा इधर उधर की नहीं तो के कहां पर अर्जेंटीना के के समर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करेंगल के डकार में याद रखना सैनिकल के डकार में। तो यार बीस के विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करें स्विट्ज़रलैंड के लॉज एन में क्वेश्चन बनने जा रहे हैं अर्जेंटीना कैपिटल करेंसी पीसो सेनेगल कैपिटल डकार करेंसी फ्रैंक स्विट्ज़रलैंड कैपिटल बर्न करेंसी फ्रैंक इतना तो काम हो गया अपना डेली वाला अब ये पांच मेडलिस्ट हैं जिसमें जैरमी का नाम है मनु भाकर है तुसार माने है, है, हैं एंड तबाबी देवी हैं एंड मेहुली घोष हैं इन सभी के द्वारा मेडल जीते गए हैं ये गोल्ड मेडलिस्ट है ये गोल्ड मेडलिस्ट है, है ये सिल्वर मेडलिस्ट है सिल्वर मेडलिस्ट है सिल्वर मेडलिस्ट है, है एक और गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट कौन बन गए अपने सौरभ चौधरी भी यहां पर गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर एड हो गए तो इनकी भी फोटो कल मैं यहां पर लगा दूंगा और इनका भी नाम मेंशन कर दूंगा यहीं पर स्पोर्ट्स मेंशन कर दूंगा यहीं पर इनके स्टेट मेंशन कर दूंगा तो एक सिंगल पेज पर आपके लिए सब कुछ हो जाएगा अभी जरा समझिएगा

फ्लैग बियर रही थी ये ओपनिंग सेरेमनी के दौरान देखो ये सारी बातें भी याद रखनी है मनु भाकर शूटिंग से संबंधित हरियाणा स्टेट है ये फ्लैग बियर भी रही थी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अब सौरभ चौधरी जिन्होंने दस, दस मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और ये यूपी के मेरठ से उत्तर प्रदेश के मेरठ से है आई होप सो क्लियर होगा सेशन पसंद प्लीज एक बार जरा लाइक बटन में प्रेस कर दीजिएगा यस सर यस सर क्लियर होता चल रहा है हमारे सब कुछ अच्छा ये बढ़ते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज महेश मुरलीधर भागवत हैज बीन अवारेड विद द्वेंटी एटीन आई ए सी पी लीडरशिप इन ह्यूमन एंड सिविल राइट इंडिविजुअल अवार्ड महेश मुरलीधर भागवत को अठारह आई ए सी पी लीडरशिप इन ह्यूमन एंड सिविल राइट इंडिविजुअल अवार्ड से सम्मानित किया गया है अगर सीनियर आई ऑफिसर की बात करते तेलंगाना से है, है, है इंडिविजुअल कि अवार्ड से, तो right से सम्मानित किया गया महेश मुरलीधर भागपत को अब ये आई क्या है इंपॉर्टेंट देखिए ये, ये न्यूज तो साइड में कर दीजिए एक लाइन में एग्जाम में आना है आई के सारे स्टडिक फैक्ट है उन्हें चलिए डिटेल में देख लेते हैं टेक्निकल स्क्रीन जूम करेगा इनकी बात कर ले तो इनका नाम टेरेंस है टेरेंस लुइस नहीं है वो वो डी के डांस इंडिया डांस के भैया डांसर ये टेरेंस एम

कहें कौन करेगा कहां पर वेन्यू रहेगा एंड कौन सा एडिशन है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीआईसी के स्टैटिक फैक्ट पे देख लेते हैं सारी नजर जरा टेक्निकलिटी इंप्रीज Zoom करें। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज फाउंडेड इन हुई थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राधा कृष्ण माथुर एंड हेडक्वार्टर की बात करें न्यू है डेली करें वो नई दिल्ली में है यहां तक क्लियर है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर यहां तक भी हमारे क्लियर हो चुका है यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ सफलता पानी है तो समझ जाओ क्या बात है भाई मनु वर्मा जी ऐसे ही आप कमेंट यहां पर करते रहिए मत शोर करो अपने प्रयासों का खामोशी से जिंदगी बदल जाओ वाह क्या बात है वाह 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 क्या बात है भाई दिल खुश कर दिया आपने तो दिल बाग बाग कर दिया ऐसी बात करके मतलब मोटिवेट करने के लिए तो यहां पर हर एक स्टूडेंट बिल्कुल लगा हुआ है ऐसे कमेंट करते राह करिए दो चार कमेंट पढ़ते रहेंगे ना तो खुशी मिलती रहेगी मैं आपके साथ भी यहां पर शेयर करता रहूंगा तो एक बार जरा क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए कि बड़ी बढ़िया यहां पर भाई मैम एंड सर जो भी हो क्योंकि नाम आजकल पता नहीं चलते हैं बट फिर भी मैं तो बोलूंगा जो स्पेशली यहाँ पर मैम के लिए क्लैपिंग कर दीजिए जिन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पर एक कोर्ट शेयर किया है चलिए बढ़ते देखते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पी एस जय कुमार वॉज गिविन वन ईयर एक्सटेंशन बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पी एस जय कुमार को एक वर्ष का विस्तार दिया गया है इंपॉर्टेंट जरा समझना क्यों रेलवे में बैक टू बैक अगर मैं बात करूं तो एमडीएन सी ओ बैंक के पूछे जा रहे हैं यहां से समझना है कि स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी बन चुकी नहीं ये बैंक में ही आएगा ऐसा नहीं है रेलवे में पूछ रहा है रेलवे में क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि एमडी एंड एम पर्टिकुलर बैंक का क्या है कहां पर है। तो हमें समझना पड़ेगा अब कोई न्यूज ऐसी नहीं रही कि वो स्पेशली बैंक ओरिएंटेड है हर न्यूज अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड एन सीओ जो पी एस जय कुमार है उनको एक साल का एक्सटेंशन दे दिया है फाइनली यहां पर बात करें एग्जाम का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ अ बैंक ऑफ बड़ौदा सो गाइस आंसर इज पी एस जय कुमार अपार्ट फ्रॉम आते हैं चलिए देख लेते हैं क्या बात है क्लैपिंग से पूरा यहां पर शोर मचा हुआ है अब जरा समझते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा सीईओ गेट्स वन एक्सटेंशन ये सीईओ है के, इन्हें एक साल का एक्सटेंशन मिला है की बात करें टीम प्लीजू करेगा एंड गुजरात के बड़ोदरा में इसका है और इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इज अ टैगलाइन ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ोदा गुजरात इज अडक्वार्टर एंड फाउंडेशन ईयर इज 20 जुलाई 1908 20 जुलाई 1908 को भैया इसकी स्थापना हुई थी आई होप यहां तक सारी बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत आराम से पढ़ाने की क्योंकि दो चार कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे मेरे दिल खुश हो गए थे उन कमेंट को पढ़ के और लिटरली मैंने कहा तू का स्क्रीनशॉट भी ले लिया मैंने कहा जब जब मन करेगा तब मैं उनको याद करके देख देख के याद कर लिया करूंगा तो उन्हीं को देखते हुए मैं बड़ा आराम से चल रहा हूं अगर गैस फिर भी तेज लग रहा है फिर दोबारा से बता दीजिएगा हाँ सर थोड़ा तेज चल रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी यहां पर आराम से पढ़ाने की अब चलिए बढ़ते देखते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है अक्सर इस तरीके की न्यूज को हम स्किप कर देते हैं इस वाली न्यूज को बट इंपॉर्टेंट है ये डैमिंग प्राइस की बात करेंगे दो कैटेगरी में दिया जाता है सुदर्शन फास्टनर्स लिमिटेड को इस वर्ष दिया जा रहा है सुदर्शन फास्टनर्स लिमिटेड हैज बैक दी डैमिंग प्राइस फॉर ऑल इट 17 सेवनटीन प्लांट लोकेटेड इन इंडिया ये सारी बातें हैं सिर्फ एग्जाम के लिए इतना है हु हैज बैक दी डैमिंग प्राइस सुदर, सु, सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड हैज बैक दी डैमिंग प्राइस द अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इनिश्येट इनिशिएटिव एट दी एस एफ एल जो तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है क्या है पॉइंट इनको जरा डिटेल में देख लेते हैं डैमिंग प्राइस एक्जैक्टली है क्या टेक्निकली स्क्रीन को जूम करेगा इज द हाइएस्ट अवार्ड इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये उसमें सम्मान है डैमिंग प्राइस और इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज बोथ इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों को दिया जाता है बोथ इंडिविजुअल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन दील्ड ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसमें इंडिविजुअल का योगदान हो चाहे किसी बिजनेस हाउस का योगदान हो इसके लिए दोनों ही कैटेगरी में यहाँ पर अवार्ड रखा गया देखिए मैं भी है टू कैटेगरीज ऑफ अवार्ड आर मेड एनुअली डैमिंग प्राइस फॉर इंडिविजुअल एंड डैमिंग प्राइस डैमिंग प्राइस फॉर इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति को दिया जा रहा है एंड डैमिंग प्राइस की बात करेंगे तो किसी बिजनेस को यहां पर दिया जा रहा है यह उन्नीस सौ इक्यावन में स्टेब्लिश हुआ था ऑनर करने के लिए ई एडवर्ड डैमिंग उन्होंने अगर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते जापान की जो प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है वर्ल्ड वॉर टू के बाद उसके बाद उसमें योगदान के लिए स्पेशली डब्ल्यू एड डैमिंग के नाम पर इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया उन्नीस सौ इक्यावे में और इस वर्ष की बात करते हैं तो इस वर्ष जो दिया जा रहा है ये बिजनेस बिजनेस हाउस हाउस की बात तो बिजनेस कौन सा है सुंदरम सुंदरमस लिमिटेड सुंदरम फास्ट लिमिटेड को ये अवार्ड दिया जा रहा है आई होप सो ये भी क्लियर होगा अक्सर इस न्यूज को पढ़कर हम स्किप कर देते बट बटाइस प्लीज समझेगा एक एक न्यूज रेलिवेंट है द हिंदू में आज ही मैंशन की गई अब समझते हैं आज के तो आज का स्टेट हमारा तो भैया राजस्थान अल्फाबेटिकली चल रहे हैं एबीसीडी से लेकर अगर हम बात करें तो पढ़ा रहा हूं बचपन में आप पढ़े थे अब दोबारा हम यहां पर पढ़ रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड सारे फैक्ट फॉर्मेशन ईयर स्टडी मार्च नाइन जयपुर इज अ कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज जयपुर एंड कल्याण सिंह गवर्नर है वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर राजस्थान में चुनाव भी होने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट टोटल 33 थ्री है लोकसभा सीट 25 है राज्यसभा सीटों की बात कर राज्यसभा सीट यहां पर 10 है लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि भैया मेरे कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो याद रखना है राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द एरिया अब देखना यहां पर लोकसभा सीट राज्यसभा सीट संसद की बात करते हैं ऐसे जब विधान मंडल की बात करते हैं हम तो वहां पर आता है विधानसभा और विधान परिषद और विधान परिषद जहां पर नहीं उन्हें हम बोलते यूनिक कैमरल तो यहां पर लेजिस्लेचर यूनिट

केवला देव नेशनल राजस्थान रंथम नेशनल पार्क इज इन राजस्थान सरिस्का नेशनल पार्क इज इन राजस्थान और दर्रा मैं कभी भी एनपी 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 याद नहीं करता मैं सिर्फ स्टार्टिंग वर्ड याद करता हूं केवला देव रंथमबोर सरस्कार डिजर्ट और दर्रा एक लाइन में रट्टा मार दीजिए केवला देव रंथमबोर सरिस्का डिजर्ट दर्रा ऑल नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन राजस्थान कुंबलगढ़ बस्सी संबर और शेरगढ़

कुंबलगढ़ बस्सी, संबर शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवलादेव रंथम्बोर सरिस्का डेजर्ट और दर्रा ये सारे के सारे आपके नेशनल पार्क्स हैं। अब चलिए बढ़ते हैं देखते हैं कुछ क्वेश्चन और समझना यहां यहाँ पर कल के ही क्वेश्चन को मैंने दूसरी लैंग्वेज में फॉर्म किया है क्योंकि मेरा ओवरऑल है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मिलेगा इन विच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज फॉर्म किस वर्ष में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ था आंसर इज 1945 फोर्टी फाइव इन ऑफ नाइन अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन हुआ था फॉर्म हुआ था क्या है पॉइंट चलिए उनको डिटेल में टेक्नोलॉजी इट वॉज स्टैब्लिश इन दफ़ दी नाइनटीन फोर्टी फाइव हेडक्वार्टर की बात करें दगेग नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर है प्रेसिडेंट इज दी अब्दुल काबी अहमद यूसफ सोमना सोमालिया से ये

हैंकिन है प्रेसिडेंट अब्दुल अहमद यूसुफ हेडक्वार्टर द है नीदरलैंड एन एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज 1945 अगला सवाल हु इज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक के निदेशक कौन है राजेंद्र सिंह आलोक वर्मा राजीव जैन अनिल धसमाना या अरुण कुमार सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर वन राजेंद्र सिंह इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है अपने राजेंद्र सिंह है लिस्ट फिर दोबारा प्रोवाइड करूंगा याद हो जानी चाहिए अब तक तो मुझे लगता है बिल्कुल याद हो गई होगी रॉके अनिल धसमाना राजीव जैन है भाई आई के रजनीकांत मिश्रा कहां बी एस के एनसीआरएफ सी की बात करो तो राजीव राय भटनागर आलोक वर्मा इज फ्रॉम देंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड राजेश रंजन की बात कर राजेश रंजन राजेश बहुत सारे आर से नाम

इज अ गवर्नर ऑफ सिक्किम सिक्किम के राज्यपाल कौन है सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा उठा लीजिए लालजी टंडन बिहार भेज दीजिए सत्यपाल मलिक की बात करें जम्मू एंड कश्मीर भेज दीजिए तथागत रॉय को बॉक्स मेथड से देख लेते हैं भैया कहां पर भेजना है एंड गंगा प्रसाद इज अ गवर्नर ऑफ दिक्किम गंगा प्रसाद अपने सिक्किम के गवर्नर है अब चलिए बढ़ते हैं एक बार बॉक्स मेथड हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य बिहार के लालजी टंडन जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक एंड तथागत रॉय की बात करें गर्वर ऑफ द मेघालय एंड गंगा प्रसाद की बात करें इज ऑफ दी सिक्किम अगला सवाल विच ऑफ लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है नेत्रावली भिंदवास धौलाधार गुलमर्ग या हजारीबाग सो आंसर इज ऑप्शन नंबर हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन झारखंड अब आते हैं एक बार बॉक्स मेथड ऑफ त्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गोवा भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन हरियाणा एंड धोलारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन हिमाचल प्रदेश एंड गुलमर्ग एंड इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें या आपकी झारखंड राज्य में स्थित है Guys, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे रिवाइज करने की अगला सवाल Which of the following, पार्क आंध्र प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है वाल्मीकि नमदाफा पापीकोंडा नामेरी या इंद्रावती ऑप्शन नंबर वन पापी कोंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश पापीकोंडा कों नेशनल पार्क आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है बाकी कहां पर है एक बार जरा देख लेते हैं टेक्निकल एक बार स्क्रीन में जूम किया जाए वाल्मीकि नेशनल पार्क इज इन बिहार वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है नमदाफा अरुणाचल प्रदेश में है पापी कौंडा की बात करें आंध्र प्रदेश में तो आपका है पापी है या आंध्र प्रदेश में है नामेरी की बात करें इट इज इन असम एंड इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वट इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया आर्मेनिया की राजधानी क्या है वेला तिराना यरेवन वियना या बाकू अजरबेजान की बाकू करेंसी मनत

फ्रैंक चलती है रट्टा मार लीजिएगा नो सर भैया गौरव मेरे भाई नाम तुम्हारा गौरव है और गौरव तो तुम्हें करना पड़ेगा यार दोस्त मेरे भाई ऐसे है? ना करना कसम है तुझे किसी की प्लीज जरा पांचों याद कर लेना और आज कोशिश करना याद करने की ये पांचों याद हो जानी चाहिए नेक्स्ट विच डे इज ऑब्जर्ड एज वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन सा दिन विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है फर्स्ट दिसंबर टेंथ दिसंबर ट्वेंटी सेवन दिसंबर सिक्सटीन सेप्टेंबर या इलेवन जुलाई सुनसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड 27 सितंबर, 27 सितंबर को बनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को बाकी किस दिन कौन सा है चलिए वो देखेंगे वर्ल्ड एड्स डे फर्स्ट दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे दस दिसंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर एंड वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें सिक्सटीन सेप्टेम्बर एंड इसके अलावा बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तो ये मनाया जाता है भाई इलेवन जुलाई को समझ नजर यहां पर कि इलेवन जुलाई ग्यारह जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं सोलह सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे ट्वेंटी सेवन सेप्टेबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे दस दिसंबर को और वर्ल्ड एड्स डे की बात करें यह एक दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है आई होप सो पांचों ही दिन ये तो याद हो गए इसके लिए गौरव भाई मेरे नो मत करना कि नहीं सर ये याद नहीं है फिर

इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का मनाते हैं जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर देके मेरे को जरूर बताइए अगला सवाल In which year, Universal Postal Union was formed. किस वर्ष में यूनिवर्सल पोस्टल का गठन हुआ था जिस जिस वर्ष में, डेट पर हुआ था, उसी को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाते हैं नौ अक्टूबर अक्टूबर सेवेंटी फॉर्मेशन हुआ था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सोप्शन वन इज राइट आंसर इसी पर बेस्ड है एक बार फिर दोबारा देखेंगे। अब दिर हम अब्दिर हम अब्दिर अब्दिर हम हाँ अब्दिर हमन हुसैन की बात करेंगे भैया बड़ा नाम टिपिकल है इनका और ये डायरेक्टर जनरल है कहा कि यूनिवर्सल पोस्टर यूनियन के अब आंसर यहां पर आ रहा है ओके हमारा 11 अक्टूबर ओके इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की बात करें तो ये 11 अक्टूबर को यहां पर मनाया जाता है सभी का यहां पर बना हुआ है एक और सवाल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का मनाते हैं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी कब ऑब्जर्व होता है जरा ये बताइए अक्सर ओके आंसर आ रहा है यहां पर क्योंकि अभी तक देखते हैं मेजरिटी में जरा आ जाए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड तो इलेवेंथ अक्टूबर हो गया बट अगर मैं बात करता हूं नेशनल गर्ल चाइल्ड प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में आंसर देके बता दीजिए अब जरा समझते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु थर्टी सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ यूनियन होलसेल मार्केट डब्ल्यू यू एम एन एट गुरुग्राम हरियाणा किसने हरियाणा के गुरुग्राम में थोक बाजार विश्व संघ डब्लू यू एम एन के बत्तीस विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया आंसर इज दीपुर पुरुषोत्तम रूपला अगला सवाल सौरभ चौधरी हैज़ हैजन दी गोल्ड मेडल इन टेन मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन यूथ ओलंपिक गेम्स इन अर्जेंटीना ही इज फ्रॉम विच स्टेट वह किस राज्य से हैं सौरभ चौधरी ने अर्जेंटीना में युवा ओलंपिक खेलों में दस मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है वह किस राज्य से आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री इज फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश अगला सवाल

ट दर्टींथ एनुअल कन्वेंशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इन न्यू डेली किसने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के तेरहवें पार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया यूं कहें कौन करेंगे सो आंसर इज रामनाथ कोविंद रामनाथ विल कोविंद्रेट दी थर्टी एनुअल कन्वेंशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन न्यू डेली अगला सवाल इंडिया हैज बीन रैंकड वॉट इन अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस स्थान पर रहा है आंसर इज वन जीरो थर्ड इंडिया हैजन जीरो इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स जी एच आई ट्वेंटी ग्लोबल हंगर इंडेक्स

भारत आर्थिक नुकसान में अगर बात करें आर्थिक नुकसान में विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा है भारत का स्थान क्या है आपदा जोखिम कमी के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में जलवायु से संबंधित आपदाओं के चलते भारत को 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है इसमें भारत की ओवरऑल रैंकिंग क्या है भारत किस नंबर पर रहा फर्स्ट पे यूएसए रहा सेकेंड की बात करें तो सेकंड पे भाई अपना चाइना है एंड थर्ड की बात करें तो थर्ड पे जापान है एंड फोर्थ की बात करें फोर्थ रैंक इंडिया की रही है एंड फिफ्थ पे रिको है जिसको सबसे ज्यादा कह सकते हैं सफर करना पड़ता है डिजास्टर रिलेटेड उसकी रैंकिंग फिफ्थ पर रही है I hope so, सभी के यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा जो जो अपना बनता 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 वो वो है 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 इंडिया की रैंकिंग रही है, वो फोर्थ रही है। ये एक और क्वेश्चन है इन विच यर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज फॉर्म किस वर्ष में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था जरा इस सवाल का आंसर दीजिए किस वर्ष में केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हुआ था अक्सर हम करते क्या है कि सिर्फ इस प्रकार की न्यूज में हेडक्वार्टर को पढ़ते हैं और स्किप कर देते हैं और समटाइम जब कभी उसके हेड पूछ ली जाते हैं और जब कभी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फॉर्मेशन ईयर पूछा जाता है तब हम वहां पर दिक्कत कर जाते हैं तो इस तरीके से याद कर चलेगा में याद कर लीजिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन वॉज फॉर्म इन द ईयर ऑफ इन द ईयर ऑफ टू विकास कुमार का आंसर आया है दो में स्थापना हुई थी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की आई होप सो सभी के यहां पर सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी तो इसी के साथ सेशन को एंड अप करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट प्लीज पोस्ट करिए मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं एक दो दिन से देख रहा हूं कि बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे एस yes, बट मैं आज चाहूंगा प्लीज अपने कमेंट पोस्ट करिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या और आप क्या चाहते हैं कल सैटरडे है कल और डिटेल में हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कल 12 बजे का एमसीबी सेशन भी है उसे भी वहां पर डिस्कस करेंगे और ये हमारा ऑफर है बारह तेरह चौदह भैया ट्वेल्थ से स्टार्ट हो गया ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन तीन दिन ये ऑफर रहने वाला है इसमें डिस्काउंट है और आप आराम से स्पीड टेस्ट परचेस कर सकते हैं विजिट करेगा माईशॉप डॉट महिंद्रा डॉट जी पे और कॉल भी कर सकते हैं वन डबल जीरो वन जीरो थ्री फाइव डबल टू फाइव और शाम के छह बजे तक लाइने खुली हैं उस पर आपको सारी आपकी सुविधाओं का कह सकते हैं सुविधाओं का नहीं जितनी भी प्रॉब्लम है उनका समाधान किया जाएगा सो गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट अब आ चुका है आप सबके सामने महेंद्राज स्पीड टेस्ट नवरात्रि स्पेशल ऑफर जो कि अवेलेबल होगा सिर्फ ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर से फोटीथ ऑफ अक्टूबर तक इसका लाभ उठाने के लिए हमारी साइट विजिट करें माईशॉप डॉट महेंद्राज डॉट ओ या हमें कॉल करें वन एट डबल जीरो वन जीरो थ्री फाइव टू टू फाइव पर